जिस सोम पापड़ी की आप सब इतनी ज्यादा बुराई करते हो, आपको क्या पता है कि इस सोम पापड़ी को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है और मेहनत के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। नहीं तो मेरी तरह आप 3 बार सब कुछ वेस्ट कर दोगे, उसके बाद 4थे बार जाकर आपका परफेक्ट बनेगा। मैंने 3 बार गलतियाँ की, 3 बार मेरा सोम पापड़ी बेकार बन गया, लेकिन मैंने तीनों गलतियों से कुछ ना कुछ सीखा, उसके बाद जाकर 4थे बार मेरा ये सोम पापड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। तो आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका और सारी गलतियों से जो मैंने सीखा है सब कुछ बतलाऊंगी कि आप कैसे सोम पापड़ी बनाओगे तो आपका परफेक्ट बनेगा। और मैं सोच रही हूँ ना कि अब यूट्यूब छोड़कर सोम पापड़ी का ही बिजनेस स्टार्ट कर दूँ, कि आप देख सकते हो कितनी अब बेहतरीन ये सोम पापड़ी बनकर रेडी हुआ है। यूट्यूब तो मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं कर रहा है, बिना सैलरी के 2 साल से काम करवा रहा है। कम से कम सोम पापड़ी बेचकर तो कुछ हम कमा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से सेकना है। 4 मिनट तक इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये छोटी वाली कलछी से 1 कलछी घी, यानी कि 4 चम्मच। बस इतना ही घी ऐड करना है और इसे फ्लेम को लो रखकर ही सेकना है। मतलब आपको इसे अच्छी तरह से भून लेना है कि इसमें कच्चापन न रहे, इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो देखिए अच्छी तरह से सेक चुका है, मुझे 8 मिनट लगे थे। और इसे हमें चाल लेना है। इसे चालना क्यों है, जो इसमें गुठलियाँ वगैरह है ना, अगर हम चाल लेंगे तो सब फूट जाएगा, ये पूरा अलग अलग हो जाएगा, तो चालना ज़रूरी है। चालने के बाद कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन देखिए सब अलग अलग हो चुका है। तो इसमें अब ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा कम इलायची पाउडर और इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे हम कर देंगे साइड में। और यहाँ पर उसी पैन में मैं ले रही हूँ देखिए 1/4 कप पानी और साथ में 1/2 कप शुगर। मतलब आप जो भी कप या कटोरी ले रहे हो ना, उसी से आपको बेसन नाप कर लेना है, शुगर नापना है, पानी नापना है। बेसन का आधा आपको चीनी लेना है और पानी उसका आधा लेना है। अगर आप जितना बेसन ले रहे हो या फिर मैदे से बना रहे हो तो मैदा ले रहे हो, उतना ही अगर आप शुगर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब शुगर मेल्ट हो गया तब मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच नींबू। और जब तक हमारा वो पक रहा है, फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा, मीडियम फ्लेम पर ही चाशनी को भी बनाइएगा, तब तक हम यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन ले लेंगे। नॉनस्टिक पैन हर किसी के घर पर होता ही है, तो इसमें हमें लगा लेना है घी। घी मेल्टेड नहीं लगाना है, जमा हुआ घी लगाना है। अगर नॉनस्टिक पैन नहीं है तो आप स्टील का बर्तन यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको घी लगाना है, एक वाइट लेयर हो जानी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये चाशनी चिपकती है। तो यहाँ पर देखिए चाशनी मैं दिखला भी देती हूँ कि बना है कि नहीं, आप कैसे समझोगे। तो देखिए ये पूरा बंध जा रहा है एकदम बॉल की तरह, मैं आपको निकला कर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए पूरा बंध गया है, मतलब ये रेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें भी 30 सेकंड तक इसे और कुक करेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर लाल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें कलर आने लगा है, तो बस अब इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा ये चाशनी जल जाएगा। तो चलिए इसे फटाफट से साइड में रख देते हैं और इसे क्या करेंगे, लगभग 30 सेकंड तक चलाते हुए ठंडा करेंगे। मैं नॉनस्टिक पैन यूज कर रही हूँ इसलिए 30 सेकंड ठंडा कर रही हूँ। अगर आप स्टील का बर्तन यूज कर रहे हो तो कम से कम 1 मिनट तक आपको इसे ठंडा कर लेना है, जिससे कि हल्का गाढ़ा हो जाए और स्टील के बर्तन में बहुत ज़्यादा न चिपके। तो यहाँ पर मैं इसमें इसे पलट दे रही हूँ, पलट कर हम इसे हल्का चलाते हुए ठंडा करेंगे। तो अभी देख सकते हो अभी कितना गाढ़ा है, तो जैसे जैसे ठंडा होने लगेगा वैसे वैसे ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे हमें थोड़ा ठंडा करना है जिससे कि हम इसे हाथ से पकड़ पाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म रहे तभी हमें इसे खींचना स्टार्ट कर देना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो आपकी पूरी सोम पापड़ी नहीं बन पाएगी। और स्टील के बर्तन में निकालने से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा चिपकने लगता है, हम छुड़ाने के चक्कर में रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, उसके बाद भी सोम पापड़ी नहीं बनती। पहले बार मैंने इसे स्टील के बर्तन में ही निकाला था, जिससे कि मेरी सोम पापड़ी तो पहले बार बिल्कुल बनी ही नहीं, न जाने क्या बन गई थी, गुठली गुठली, तो सब फेंकना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे हाथ कितने ज़्यादा जल रहे हैं, फिर भी मैं इसे खींचना शुरू कर दी हूँ। इसे जैसे हम खींचेंगे हल्का, जिससे हल्का ठंडा भी हो जाएगा, इसका कलर भी देखिए चेंज होता है, इसमें खिंचाव बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं, तो जिससे कि इसके रेशे बहुत बढ़िया बनते हैं। तो अभी इसे मैंने 10 बार कम से कम खींचा है, उसके बाद
मैं इसके दोनों किनारों को जोड़ दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक रिंग ए बन चुका है, तो इसे हम रख देंगे अपने बेसन के ऊपर। तो मैंने दो तीन बार जब बनाया था उसमें थोड़ा सा बेसन और मैदा लिया था, लेकिन इस बार मैं सिर्फ बेसन से ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इसके ऊपर बेसन डालते जाना है और इसे हमें फोल्ड करते हुए मोड़ते जाना है। लेकिन अभी ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं आपको खींचना है वरना ये टूट जाएगा। आपको ध्यान देना है कि टूटे ना, इसके टूटने नहीं देना है, बस हल्के हल्के हाथों से इसे खींचना है और फोल्ड करते जाना है। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसे ऐसे ही करते जाना है, बेसन को इसके ऊपर डालते जाना है और फोल्ड करते जाना है, इसे खींचना है फोल्ड करना है। लेकिन जैसे जैसे ये हल्का ठंडा होने लगेगा ना, तब आपको अपना खाया पिया सब कुछ इसमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बस ऐसे ही करते जाना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये टूटे ना, कहीं से भी इसे टूटने नहीं देना है और फोल्ड करते जाना है। ऐसे आप फोल्ड करोगे तो ये चारों तरफ से खींचता है और इसके रेसे भी बनते हैं। मैंने दूसरी बार जब बनाया था ना, तो इसे मैंने क्या किया, फोल्ड तो किया ही नहीं, सिर्फ लंबा लंबा खींचती गई, मोड़ती गई लंबा लंबा, तो क्या हुआ कि सब एक में एक चिपक गया। तो इसे बनाने का यही तरीका है कि इसे फोल्ड करते जाना है और खींचते जाना, और खींचने का तरीका आप देखिए, कहीं से भी इसे पकड़ना नहीं है, सिर्फ इसे हमें खींचना है। देखिए मैं दोनों तरफ से सिर्फ उंगलियां लगा रही हूँ और खींच रही हूँ। अभी ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, अब पूरा खाया पिया लगाना पड़ रहा है। आप देख सकते हो इसके रेसे कितने आ गए हैं। तो इसे ऐसे फोल्ड करना है और खींचना है और बेसन को इस पर डालते जाना है कि सारा बेसन ये सोख ले। तो अभी देखिए मैं कैसे खींच रही हूँ, बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा है। तो इस तरह से अभी लगभग 10 बार करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये सोम पापड़ी बनकर रेडी होगा और ये सारा बेसन जितना है ना, सब एक अपने में सोख लेगा। तो आप देख सकते हो घुमाते जाना है और खींचते जाना है, इसे जैसे मुट्ठी से पकड़ कर खींचना नहीं है, सिर्फ उंगली डालकर खींचना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से, देख उस साइड से भी मैं उंगली डाल रही हूँ, यहाँ से भी उंगली, इसे जैसे मुट्ठी में दबाकर पकड़ना नहीं है कि दबा दबा कर पकड़ो तो ये बंधने लगता है। तो इससे खींचते खींचते देखिए मैंने सारा बेसन इसमें ख़त्म कर दिया है और 10 बार कम से कम मैंने किया और अभी ये जाकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। लेकिन अभी थोड़ा सा और खींच लेंगे जिससे कि और भी रेसा पतला हो जाए। तो अभी ये बनकर रेडी हो चुका है, आप देखिए हमारी सोम पापड़ी। लग रहा था ना कि पूरा बेसन ये ले नहीं पाएगा, मुझे लग रहा था इस बार भी मेरा जाएगा क्या, ख़त्म हो जाएगा, मेरी मेहनत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन देखिए कितना परफेक्ट बना है। यूट्यूब पर मैंने भी वीडियो देखा था जहाँ पर बहुत लोग बतलाते हैं कि जितना आपने जिस कप या कटोरी से जितना आपने बेसन लिया है या फिर मैदा लिया है उतना ही आप शुगर लो, लेकिन नहीं, उतना नहीं लेना होता है। यहाँ पर देखिए मेरे हाथ भी छिल गए हैं और हाथ कितना लाल हो गया है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। तो चलिए इसे फटाफट से मैं डालकर कटोरी में रोल बनाकर दिखला भी देती हूँ। तो क्या होता है ना, अगर आप बराबर बराबर लोगे जैसे बेसन और शुगर ना, तो बहुत ज़्यादा शुगर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और उसमें क्या होगा कि मतलब अभी उसमें रह जाएगा खिंचाव, मतलब उसमें शुगर की मात्रा रह जाएगी और आपका बेसन जो है कम हो जाएगा, उस वजह से भी आपका जो सोन रोल है ना एक में एक बन जाएगा। मैंने तीसरी बार जब बनाया था ना, बहुत बढ़िया बना था लेकिन उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा थी, इसलिए ना वो एक में एक बन गया। मैं आपको सारा दिखलाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे बनाकर सोन रोल रखा है, अजब अजब तरीके का बना है, लेकिन इस बार जाकर परफेक्ट बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये बनकर रेडी हुआ है। तो इसी तरह से मैं सबको रेडी कर आपको दिखलाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हम कटोरी में नहीं रखेंगे, थोड़ा बड़ा सा मैंने कटोरी लिया है। अगर आप छोटा बर्तन ले रहे हो ना तो उसमें भर भर कर रख सकते हो, लेकिन ये कटोरी बड़ी है तो इतना बड़ा बड़ा तो कोई खा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी सी सोन पापड़ी बनकर रेडी हुई है। अब इसके लेयर्स देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बनी है। अब लग रहा है ना कि मेहनत साकार हो गई। और यहाँ पर देखिए तीसरी बार वाला ए है, इसमें जो शुगर ज़्यादा हो गया था, बराबर बराबर मात्रा में मैंने लिया था, तो ऐसे मत लीजिए। ये खाने में ठीक लग रहा है, टेस्टी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा है और सोम पापड़ी तो उतना लग नहीं रहा है। और ये दूसरी बार वाला है तो ये भी बहुत टाइट हो गया था, मैं सोच रही थी क्या बन गया। तो फर्स्ट टाइम वाला तो मैंने फेंक दिया, और सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ नंबर।
तो आपने वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो आप भी सोन पापड़ी आसानी से बना सकते हो। इसे बनाने में सिर्फ आधे घंटे का समय लगेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और आज के बाद सोन पापड़ी की बेइज्जती मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने में।